धनबाद के सिंदरी के डिनोबली स्कूल में छात्र की मौत की जांच को लेकर उनके परिजन आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया गया है। छात्र की मारपीट के बाद हुई मौत, सभी लोग नाराजगी है। खाली हम लास्ट में काम बता रहे हैं, आप ये जाइए, आपका ये काम करिए, उसके बाद आइए, जो भी आपका जैसे भी है हम करेंगे, हम करेंगे, हम चाहिए, हमको इतना चलाएंगे, बस जो भी हम कर लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना, पहले आपको सब काम करने के लिए, ठीक है, उसके बाद आप आइए मेरे पास, आप लोग जो जो बोलिएगा, जिस पॉइंट पे बोलिएगा सारा पॉइंट नहीं होगा। इस घटना काफी संवेदनशीलता से हम लोग के द्वारा लिया गया है और हमारे SSP साहब के द्वारा भी इस पर काफी नजर रखी जा रही है। और जैसा कि कल हुआ था, जैसे ही उन बच्चे का शव वहाँ पहुंचा, उनके द्वारा एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका FIR करवाया गया है, अरे सॉरी पोस्टमार्टम कराया गया है। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो उससे पता चलेगा कि मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या है। इसके अलावा अभी परिजनों के द्वारा डिनोबली स्कूल के पास शव को रख के पास जाम किया गया था, तो उनको समझाया गया है, जो भी मतलब होंगे, जो भी इसमें दोषी होंगे जांच चलेगी, उनके द्वारा जो भी बिंदु राइज किए जाएंगे हम उन सारे बिंदुओं पे जांच करेंगे। इसके अलावा हम लोग अपने स्तर से तो इसमें छानबीन कर ही रहे हैं, जो भी इसमें दोषी होंगे उनके द्वारा। स्कूल में CCTV फुटेज की भी जांच बोलता जा रहा है। CCTV फुटेज मिला है, घटना का CCTV फुटेज मिला है, उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ गायब होने की फुटेज डिलीट करने की बात सामने आ रही थी कि 3 मिनट का कुछ वीडियो डिलीट हो गया है, ऐसा कुछ है कि वो भी हम लोग देख लेंगे अभी, क्योंकि हम मेन उस पॉइंट पर फोकस था कि जिस समय घटना घटी है वो क्या घटना घटी थी, और जैसा कि हमने बोला कोई भी जांच चलेगा, अभी हम चूंकि पोस्टमार्टम और इधर वाले बिजी थे, उन सारी चीजों को हम जांच कर लेंगे।
आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।